हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज टॉक। डॉक्टर का कारनामा, टूटी हड्डी, बाएं हाथ की प्लास्टर किया दाएं हाथ का। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत और अस्पताल की बदहाली का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दरभंगा से आ गई है सरकारी अस्पताल की एक बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने। यहाँ एक डॉक्टर ने एक बच्चे के टूटे बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ पर प्लास्टर कर दिया। हनुमान नगर के रहने वाले मासूम फैजान आम के पेड़ से गिर गया। हादसे के बाद उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे DMCH में। यहाँ एक्सरे में मालूम चला कि उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन डॉक्टर ने बाएं हाथ की बदले में दाहिने हाथ पर प्लास्टर कर दिया। आश्चर्य यह है कि बच्चे ने डॉक्टर को अंदर प्लास्टर के समय बताया, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया, जबकि डॉक्टर के लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन में बाएं हाथ टूटने की जानकारी ही दी गई है। परिजनों ने जब यह देखा तो उसकी शिकायत DMCH के अस्पताल अधीक्षक से की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन ने खुद बच्चे की पूरी रिपोर्ट के साथ देखा तो साफ शब्दों में कैमरे पर यह माना कि गलती हुई है। उन्होंने संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है और पूरे दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात भी कह दी है। तो पीड़ित की मां नुजहत मखातून ने बताया कि मेरे बेटे फैजान का प्लास्टर कराने में यहाँ आई थी और बाएं की जगह दाहिने हाथ का प्लास्टर कर दिया। अंदर से गोली भी नहीं दी गई, पैसा भी लिया गया। हमने रिपोर्ट मांगी तो 200 रुपये मांगे गए। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स पर कार्यवाही हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।